आवासना नामे खंडेरनु वितरण, विकासना नामे लोकोना जीवन साथे रमत, सूरत महानगरपालिकाना आवासना घर निकळ्या लोकोनी सूरत बगाडनारा, विकास केवो विकास, खंडेर विकास, फाटेलो तूटेलो विकास, कचराना ढगवाळो विकास, जिंदगी साथे रमत रमतो विकास, न पाणीनी सुविधा, न लाइटनी सुविधा, न गटरनी सुविधा, आ छे साचा विकासनी व्याख्या। अने आ व्याख्याने 100% सार्थक बनावी रह्या छे सूरत महानगरपालिका द्वारा रहीशोने फाळवामां आवेला आ आवासना घरो। घटना एवी बनी के शहरना आंबेडकर नगरमांथी डिमोलिशन बाद त्यां रहेता रहीशोने महानगरपालिका द्वारा भेस्तान उम्मीद नगरमां आवासना घरनी फाळवणी करवामां आवी। परंतु जेवा ज लोको आवासना घरमां पहोंच्या के त्यां गंदगी अने खंडेर सिवाय कशु न मळ्युं अने लोकोनी हालत बदथी बदतर बनी गई। तमे जाते पण जोई शको छो के हालमां आजनी तारीखे शुं परिस्थिति छे। आ जे आवासो छे छेल्ला 12 वर्ष पहेला बनाववामां आव्या कोर्पोरेशन द्वारा अने कई वच्चे 4 वर्ष एमां भीमनगरना जे पुनर्वसनवाळा वसवाटवाळा हता एमने फाळवणी करवामां आवेली हती। छेल्ला 8 वर्षथी लगभग आमां कोई रहेतुं नथी। तमे जोई शको छो के नथी लाइटना ठेकाणा छे, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, दरवाजा बाणा नहीं, घनी आवास स्थिति एवं थी गई है कि अत्यारे मारा दिखता जो रिपेर काम चले एम पोपड़ा पड़ी रहा है, जर्जरित मिलकतो थी गई है। सूरत महानगरपालिका जो विकास अर्थे टीपी रोड पर जो झूपड़पट्टी ने खसेड़ी ने 82 परिवारों ने अँ फाळवणी करवाना है तो एटलीस्ट एने मानवता धोरणे मानव समझी करव जोईतु। आज आवास की फाळवणी करो जो कि कॉर्पोरेशन उपकार नहीं करती। सूरत में एवं 60,000 आवासों की फाळवणी थी। तंत्रना सत्ताधीशोए लोकोने गोल्डन स्कीमनी लालच आपी साइनो करावी लीधी, लोकोना घरो खाली कराव्या अने सारा घरमां ट्रांसफर करवानी लालच आपी। परंतु लोकोने अंधकारमां राखता जे घरो अपाया तेमां रहेवू तो दूर, त्यां उभवानुं पण मन न थाय, जेने लईने रहीशोए तात्कालिक सुविधाओ माटे मांग करी छे। कि हमको मकान अच्छे से रिपेयर करके चाहिए और यहाँ पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है अभी हाल में, और गटर लाइन भी बराबर नहीं है, और ना खिड़की बराबर है, ना दरवाजे बराबर है। इसके अंदर हमको बस तकलीफ यही है, और ये रोड पे भी लाइट वगैरह नहीं है। रात को आने जाने में काम पे से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, यहाँ जवान लड़की बहू बेटी रखनी जैसा माहौल नहीं है। हमें ये लोगों ना हमें ड्रॉ करे ये लोग तो हमें ये लोगों पास थी चिट्ठी ले ली थी, भूल थी ले ली थी, गोल्डन ना आश्वासन थी। और पसी हमारे यहीं कहीं सवगौर नहीं आवास में तो अमने कहे कि तमारा आवास में तमारू थई गयू अने ये नंबर पर जाओ ना पेला नंबर पर जाओ। अत्यार सुधी में पावर नहीं, पानी नहीं, अमे 4 कलाक थी अँ बैठा छे तो अमने पानी पीवा कोई आप्यू नहीं। आ पानी ना अमारे सोगण नहीं, त्या पछी अमारा नाना नाना बाळको सवार थी भूखा ना भूखा अँ बैठा छे। तो सरकार अमारा माटे हुं करे छे, खाली तोड़वा ज आवे छे क्या? लोकोनी आ कफोड़ी हालत जोता सवाल ए थाय के सूरत महानगरपालिकाना अधिकारीओ लोको साथे आवी छेतरपिंडी केवी रीते करी शके, लोकोना झूपड़ा पाड़ता पहला केम तेमना माटे योग्य रहेवानी व्यवस्था न कराय, केम लोकोने खंडेर जेवा आवासमां रहेवा माटे मजबूर कर्या, मकानो फाळवाया पण केम तेमां लाइट पाणी गटरनी सुविधा नथी, 12 वर्ष पहला बनेला आवासनी खंडेर जेवी हालत केवी रीते थई शके, શું આવાસના કામમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હતો? સવાલો અનેક છે, પરંતુ હાલ તો વીટીવી તંત્રના સત્તાધીશોને કહેવા માંગે છે કે જે લોકોને તમે ખંડેરમાં રહેવા મોકલ્યા તેમના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરો, કારણ કે ગરીબ સાથે અન્યાય કરો તો વીટીવી અવાજ ઉઠાવશે અને ત્યાં સુધી ઝુંબેશ ચલાવીશું જ્યાં સુધી લોકોને ન્યાય ન મળે। આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત।